हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरा इस नए ब्लॉग में। जैसा कि हम पिछला वीडियो में बोले थे कि ये वाटर पार्क 9 तारीख को खुलने वाला था, फिर 9 को ही खुला, उस दिन हम नहीं आ पाए थे। तो आज हम आए हैं इस वाटर पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए, क्या क्या एक्टिविटी है यहाँ पर, क्या रेट है यहाँ का, और ये वैल्यू फॉर मनी वाटर पार्क है या नहीं है। तो चलिए वीडियो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। ये यहाँ का रेट कार्ड, मंडे से फ्राइडे 500 और वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडे पे 600, और बच्चों का है 3 फीट से हाइट पे, जिसका छोटा है उसका फ्री है, बाकी का चार्जेस लगेगा। और लॉकर रूम का रेट, मेल कॉस्ट्यूम का 200 जो कि रिफंड 150 हो जाएगा और 50 रुपीज कट जाएगा, और लॉकर का 200 है, इसमें भी सेम रहेगा। और ये यहाँ पर टैग लग रहा है वाटर पार्क का। तो ये है बोकारो का इकलौता वाटर पार्क, जो काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पर। लेते हैं एक बार पूरा व्यू। यहाँ बगल में रेस्टोरेंट है और इधर में है वॉशरूम, और ये है यहाँ का लॉकर रूम जिसका प्राइस बाहर में आप लोग देखे ही थे। और सारा कपड़ा यहाँ पे अभी नया है, बाकी लोग तो यूज़ कर रहे हैं। और ये है लॉकर, इधर है चेंजिंग रूम फीमेल का, उधर है मेल का। पहले हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट, देखते हैं खाने में क्या क्या है यहाँ पर। तो धनबाद बोकारो का एक लौता ये वाटर पार्क है। ऐसे यहाँ से रांची काफी दूर पड़ जाता था, तो अब धनबाद के लोग भी यहाँ बोकारो आ सकते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है। इतने क्राउड होने के बाद भी उतना ज्यादा भीड़ लग नहीं रहा है, क्योंकि राइट सर खाली है अभी। और ये इसका मेन्यू। और ये है रेस्टोरेंट का इंटीरियर, काफी अच्छा है अंदर से, होप सो खाना भी टेस्टी हो। और ये है मोटू पतलू, मोटू का हाथ टूट चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मिल रहा है स्नैक्स, ये अंदर में प्रॉपर खाना, और यहाँ पे नॉर्मल स्नैक्स मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स तक सारा कुछ है। तो चलते हैं हम लोग राइड्स में, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है यहाँ पर। इसमें भी काफी लोग डर रहे हैं अभी, ये एक्टिविटी में काफी मजा आने वाला, काफी ऊंचा है ये, एक बार में 6 राइड आ सकते हैं। मजा लिया जा रहा है यहाँ पे रेन डांस का। ऐसा लग रहा है जैसे रामनवमी का माहौल है, काफी लोग खुश हैं, मजा ले रहे हैं रेन डांस का। और ये है नॉर्मल स्विमिंग पूल, जो एक्टिविटी का मजा नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्विमिंग पूल का मजा लेना चाहते हैं, उसके लिए अलग से है। तो अभी हम लोग जा रहे थे ऊपर। बाबू तुम कहाँ से हैं? बानगोड़ा साइड बी ब्लॉक टेलीडी साइड। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। कितना दिया पैसा? 600। तो वसूल हो रहा है? हाँ ठीक है, चलो। काफी प्रेशर है यहाँ पर, लाइफ गार्ड भी है, सारा सपोर्ट दिया जा रहा है। वन टू थ्री स्टार्ट।
दिस इज द एरियल व्यू ऑफ वाटर पार्क, बोकारो वाटर पार्क, फन मैजिका वाटर पार्क। यहाँ सब देख सकते हैं, सारा राइड दिख रहा, सारा एक्टिविटी। तो टोटल हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी गिनते हैं, तो एक हो गया स्विमिंग पूल, दूसरा हो गया वेब पूल, तीसरा रेन डांस, चौथा ये स्लाइड हो गया, और पांचवा वो बच्चों के लिए दो सेक्शन है, फिर उधर रेस्टोरेंट हो गया। टोटल यहाँ पे 5 या 6 टोटल है, और यहाँ पे आगे रिजॉर्ट एक्सटेंड हो रहा है। तो ये गया एक लड़का, देखते कितने देर में नीचे जाता है, जो कि हम लोग देख नहीं पाएंगे आई थिंक, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाया है। ये आंटी जा रही है बीच में, अभी यहाँ पे लोगों को सीखने का काफी जरूरत है। तो चलते हम लोग नीचे, तो काफी क्राउड है आज यहाँ पर, काफी भीड़ दिख रहा है फेस्टिवल के कारण, पब्लिक हॉलीडे है इसके कारण काफी भीड़ है, देख सकते हैं। चलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, कैसा लगा लोगों को यहाँ पर वाटर पार्क में, और ये वाटर पार्क वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। एक भैया पे मिले, भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। कहाँ से आप? हम इधर लोकल बोकारो से ही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ आसपास में हमारा एक नया ये वाटर पार्क खुला है। अदरवाइज रांची जैसे जगह जाने में 6-7 घंटे आने जाने में चले जाते थे, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, शायद पूरे गर्मी में एक बार पॉसिबल नहीं हो पाता था। यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा हुआ पूरे आसपास के लोगों के लिए, बोकारो से मेरे ख्याल से दरमाज से भी लोग आएंगे यहाँ पे। तो ये आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, बट इसमें मेरे ख्याल से जो 500 वो 400 होता तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी और बेटर होता। आपके हिसाब से ओवर प्राइस है? हाँ, लिटिल बिट ओवर प्राइस है। अभी तो इस हिसाब से तो आप 600 देखे हो कि क्या? हाँ बिल्कुल, आज के दिन में है तो आज 600 है, ये लिटिल बिट ओवर प्राइस है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इसको थोड़ा सा डाउन करें तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे ओर से एक सलाह रहेगा कि इसको अगर 400 और 500 वाला कीजिए, सो देट और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, और इसको और जैसे कि लग रहा है इसको और बढ़ाया जाएगा। तो बढ़ेगा तो रांची का 700 से स्टार्ट होता है, और ये बोकारो में छोटा नहीं, रांची में मेरे ख्याल से तरंग गए थे तो वहाँ देंगे 400 और 500 वाला कॉन्सेप्ट था, नया खुला हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ तो उससे तो फार फार बेटर है एटलीस्ट हमारे बोकारो वासियों के लिए, और ये काफी मतलब साफ सुथरा है, साफ सुथरा है नया, और आई थिंक और बड़ा ही होगा ये, तभी और ग्रो होगा मेरे ख्याल से। तो बड़े अच्छे हम लोग अभी अराउंड 8 लोग आए हैं, हम लोग 8 लोग आए हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग वाटर पार्क का मजा उठाइए। ओके धन्यवाद। यहाँ पे फोटोग्राफी का सीन चल रहा है। Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran so far. और यहाँ पे लाइफ गार्ड भी काफी है, उनके गाइडलाइन में सारा एक्टिविटी यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत काफी कम है। रेन डांस का काफी मजा लिया जा रहा है, सारे लोग थक चुके हैं डांस करके। तो अभी यहाँ पे वेव स्टार्ट होने वाला है, तो काफी लोग जुट रहे हैं। यहाँ पे वेव स्टार्ट हो गया है, देखते हैं इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है। ये चीज बोकारो के लिए काफी नया है। Thank you.
यहाँ पर स्कूल में देखते हैं क्या है। पिछली बार देखे थे इसमें पानी नहीं था, इसमें पानी अभी डाल दिया गया है। और मनोज कुमार बोल रहे हैं, वहाँ पे देखिए कछुआ घूम रहा है। तो बच्चों के लिए यहाँ पर ये और वो राइड सिर्फ बच्चों के लिए, और बाकी बड़े लोगों के लिए चार राइड है। तो चलते हैं अभी हम लोग बाहर की ओर। अभी एक भैया मिले हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चीकू, ऐसे निक नेम चीकू एंड गुड नेम इज सोमेश। कैसा लगा वाटर पार्क? क्वाइट गुड। हम लोग बोकारो गए एरिया, मैंने एरिया के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर किसी के घर में गेस्ट वेस्ट आते हैं तो एक नया स्पॉट मिला है एटलीस्ट उनको घुमाने के लिए। बच्चों का अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है एंड द कैफ़े इज़ वेरी, कैफेटेरिया इज़ वेरी गुड नाइस। ठीक है, उसका फूड क्वालिटी भी हमको अच्छा लगा, मीन्स एट द मैंने जब जहाँ प्राइस पॉइंट जैसा है उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? वैल्यू फॉर मनी है जिस हिसाब से, जैसे अगर वीकेंड्स पे आते हैं तो 600 है, और अगर वीकेंड मतलब वीकडेज में आते हैं तो फिर 500 है। उस हिसाब से 500 इज़ क्वाइट गुड। तो अभी ओवरक्राउड नहीं लगा अंदर में? ओवरक्राउड तो था आज, एक्चुअली वो गवर्नमेंट हॉलीडे वाला डे है बकरीद, तो थोड़ा सा पब्लिक रहता ही है, छुट्टी रहता है सबका, थोड़ा क्राउडेड तो है और नया खुला है इसलिए। जिस हिसाब से आपने बोला कि कोई गेस्ट आता है घुमाने के लिए, एक नया स्पॉट बन गया। बिल्कुल, तो मेरे एक चैनल पे वीडियो है जिसमें बोकारो में घूमने के लिए जो जो जगह है एक बार जाकर जरूर देखें। बिल्कुल 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 एकदम। मैंने मेरे ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलूँगा कि भैया को सपोर्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाते हैं। आज भी मैंने सुबह से देख रहा हूँ सबको दिखाने के लिए, पब्लिक को बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने वीडियो कैप्चर किया सबको बताने के लिए। मैं पहले भी अंदर भी मिला भैया से, बट अभी मैं मिला तो मैं बोला कि मैं भी बोलूँगा जरूर ऑडियंस को कि प्लीज़ भैया मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले और आप चैनल के नए वीडियोज़ को भी इंजॉय कर सकें। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइज ये था बोकारो का वाटर पार्क, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बाय बाय।